राजधानी चौमू में कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधायक रामलाल शर्मा सहित उपखंड स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में एसडीएम हिम्मत सिंह ने विधायक से सहयोग करने की बात कही, जिस पर विधायक शर्मा ने एसडीएम को आश्वस्त किया कि हर तरीके से पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा। वहीं बैठक में गर्मी के मौसम के चलते शहर में पेयजल व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए बसों की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विधायक शर्मा ने कहा कि बाहर से आने वाले तमाम लोगों की स्क्रीनिंग और जांच सुनिश्चित करवाई जाए। बैठक में एसीपी प्रियंका कुमावत, नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत, ईओ शुभम गुप्ता भी मौजूद रहे। एसडीएम ने उपखंड के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी और मेरे ख्याल से कोरोना शुरू होने के लगभग 45 दिन बीत चुके हैं। 45 दिन के बाद में पहली बार ये बैठक बुलाई है। उस बैठक में एसडीएम ने जो हमारे से अपेक्षा की है जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे वो खाद्य किट की हो और चाहे पेयजल समस्या के समाधान के लिए राशि की आवश्यकता हो, हमने एसडीएम को पूर्ण आश्वस्त किया है कि हम आपकी मदद जरूर करेंगे, किसी को परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरीके के वातावरण वर्तमान में बना हुआ है, मजदूरों में जो आपाधापी है, कम से कम उनको एक समझाइश का दौर शुरू करना चाहिए कि जिस तरीके से लोग पैदल चल के आ रहे हैं वो रुके, उनकी माकूल व्यवस्था हो और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच हो, स्क्रीनिंग होने के बावजूद भी।